देखो एक लोगों ने 3 महीने पहले फैसला सुनाया सीगा, एक जिस तरह कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जजमेंट दी है, उस जजमेंट नू उस फैसले नू रिव्यू करन दा मौका फिर मिले कि पंजाब दे लोग आ ही बदलाव चाहते सी जिहड़ा 3 महीनों के अंदर वापरिया पंजाब के अंदर, ना सिर्फ कल्ले सिद्धू मूसेवाला जी का कतल होया गैंग स्टाइल के अंदर, सरेआम बसा लुटिया जा रही हैं, कबड्डी खिलाड़ियों का कतल हो रहा है, हरेक कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, रोज़ कोई ना कोई कतल वगैरह की घटना आ रही है, तो वो लोगों को मौका मिले तो लोगों से जावे लोगों को गल रखा। माहौल तो देखो पंजाब का माहौल है जी, पंजाब का माहौल है, मैं समझदा सुरक्षा पंजाब के अंदर सब तो पहला अज अमन शांति का एक बहुत बड़ा इशू, कितने लोग नौकरियां पालते सी, कितने लोग बेहतर जिंदगी की गल करते, अज सारे आ ही कहते सू तो सू वसण दो, सू आराम शांति जीन का अधिकार दो, अज तो हूँ वो लाले पे खड़े। देखो बीजेपी इतने क्योंकि दोनों पार्टियां अपना रोल नहीं निभा रही, अज पंजाब के अंदर डिवेलपमेंट की सब तो वड्डी लोड़ है, तो मैं समझदा वो वास्ते पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार के सहयोग नाल ही आ कम अगे वध सकदा है, उहदे विच दोनों पार्टियां जिहड़ी है अपोजिशन च दूजियां बैठियां वो अपने अपने रोल तो भज रही हैं, उहदा पल्ला झाड़ के केंद्र सरकार नूं कह रही हैं भी तुसीं इत्थे सेंट्रल रूल लागू कर दिओ, खुद कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं, अकाली दल के प्रधान कह रहे हैं, जाके गवर्नर नूं मिल के कह रहे जी प्रेजिडेंट रूल इतने ला के गवर्नर रूल ला दो, कल तो ही झगड़ा करते रहे हैं भी साढ़े पंजाब के मसलों से केंद्र दखल ना दे। देखो मिलजुल के एक तालमेल के जरिए आम आदमी पार्टी मजबूत कर रहे हैं, जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की बनती है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, या भगवंत मान जी कह देन, लिख के कह देन अमित शाह जी साड़ी मदद करो, असी जो मदद बनती होगी पंजाब सरकार की कर की जाऊगी, पर पल्ला नहीं झाड़ सकते ना भगवंत मान जी झाड़ सकते ना आम आदमी पार्टी झाड़ सकती, इस करके पहला तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और JP नड्डा जी का, उहदे नाल साडे गजिंदर जेडे सखावत जी ने, मंत्री श्री ओम प्रकाश जी, साडे अश्विनी शर्मा जी जेडे हुणे बोल के गए ने, साडे ढींसा साहब, जाखड़ साहब, सोढ़ी साहब, जिन्हें भी इत्थे असीं सारे इकट्ठे होए हाँ, मैं सारा दा दिल दे गहराइयां तो धन्नवाद करदा कि इन्हां ने मेरे ते इह जिहड़ा विश्वास प्रगटाया। दूजी गल मैं कहनी चाहुंदा कि मैं तुहाडे सवाल का जवाब मैं डट के दिना कि मैं क्यों BJP ज्वाइन की, सारियां चीज़ां देखते हुए 2.5 महीने मैं जो नहीं लड़े MLA मैं सोचा भी की हो सकता, जो बहुत बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिले असी सारे ने यह गल कही सी भी 5 साल जिहड़ा एड्डा वड्डा मैंडेट आ असी इन्हां नूं राज करन दिया, जो इन्हां ने वादे कीते पूरे करन, पर मैं अज कहना चाहुंदा कि मैं खुद सारा एनालिसिस किया कि पंजाब दे विच अज जिहड़ी कानूनी अवस्था और जिहड़ी आर्थिक हालत आ वो इन्नी माड़ी हो चुकी है कि हरेक पंजाबी घरों निकल तो सहमया विया डरिया विया, जिहड़े लोगों ने बदलाव लिया सी 2.5 महीनों चो पता लग गया कि बदलाव बहुत गलत हो गया, अज लोग पछता रहे ने। मैं एक जट का पुत होने के नाते मैनू पता, मैं ये सारी गल तय की अमित शाह जी नाल, मोदी जी नाल, उन्होंने गल की गजिंदर सखावत जी नाल कि मैं किसानों के मुद्दे चखांगा, जिहड़े 3 कानून सीगे वो गलत सी हुण वापस लाए, मैं धन्नवाद करदा मोदी साहब का और BJP का पार्टी का, मैं पूरा ठोक के दवा के पंजाब के मुद्दे जिहड़ी आर्थिक हालत आ जिहड़ा मैं देखिया इहदे विच सिर्फ ते सिर्फ BJP ठीक कर सकती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर जदों नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर सी नेरी लियाती इंडस्ट्री के विच, अज गुजरात अगे आ हुण जिहड़े हुणे ही इलैक्शन होईयां ने उत्तर प्रदेश के विच, जिथे सब पंजाब तो भी माड़ा हाल सी, गुंडा राज सी, जिदे विच कानून अवस्था बड़ी माड़ी सी, वो जिहड़े अपने उन्होंने आदित्य योगी जी ने सब चैलेंज उन्होंने उन्होंने मैं गल कर लैन दो, उन्होंने UP दे विच सब क्लीन करता, अज UP दे विच इन्नी शांति है, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री आ रही है, मैं वादा किया हूँ ही मेरे नाल सोम प्रकाश जी बराले तो असीं चले हाँ, अज उन्होंने वादा किया कि कोरीडोर बन रहा 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री, असी सेंटर तो एक केबल टिलों तुसी मैं जिताओ फतवा दो, मैं पंजाब के लोगों को अपील करता कि थोड़ा वीर किसानों की सारे पंजाब की जी आर्थिक हालत आसी लैके पार्लियामेंट के आवाज उठावे कि जोड़ा नंबर 1 सूबा से अज वो थले को चलिया गया, मैं गल कर लो जी, जो थले चलिया गया अच्छा
ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ सहयोगी दोनों साडे नाल चट्टान की तरह खड़े ने, ढींसा साहब भी और कैप्टन साहब की पार्टी भी। दोनों चुनावों के स्वभाव के अंदर अंतर है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय चुनाव गिनाया जाता और लोक सभा का चुनाव कि अगर संगरूर का भला कोई कर सकता है, पार्लीमेंट के अंदर संगरूर की आवाज़ कोई बन सकता है, केंद्र च सरकार की दी है, भारतीय जनता पार्टी की देश के प्रधानमंत्री कौन ने, नरेंद्र मोदी जी, अगर ढिल्लों साहब वो इतों की जित के जाते हैं तो संगरूर पार्लीमेंट को ज़्यादा लाभ हो सकता है और इतों के लोगों की किसान की इस क्षेत्र के विकास की गल जी है उच्ची आवाज़ के अंदर कर भी सकते हैं और मोदी जी को करवा भी सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तो एक सिंपल जी गल कर रहा कि केंद्र के अंदर अगर समविचारिक व्यक्ति पार्लीमेंट च जाता है, नरेंद्र भाई मोदी जी दे पार्टी तो चुनाव जीत के जाएगा, स्वाभाविक है कि वह ज्यादा वधिया उस इलाके की सेवा कर सकता है। यह नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि संगरूर का भला इस गल च है और ये पिछले एक दो महीनों च जिस प्रकार जिन्होंने एडा वड्डा प्रचंड बहुमत दिता उन्होंने पंजाब के हालात की करते, अज पंजाब के अंदर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, पंजाब के अंदर अमन और शांति बड़ी मुश्किल नाल मिली सी, अज वो भी खतरे च पाती इन्हां नूं सिक्कियां ने, उहदे पिछे कारण है कि ये कठपुतली ने। पंजाब के निर्णय पंजाब च नहीं हो रहे, पंजाब के निर्णय जिहड़े है वह दिल्ली तो हो रहे ने। मैं लगता बचकाना बयान है, राजनीतिक समझ नहीं है, शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए है। जिन्हां लोगों ने राजनीति के अंदर अपना जीवन लगाता, जिन्हां लोगों ने अले अनेक पदों के उत्ते सुशोभित रह के पंजाब की सेवा की, उन्होंने प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उन्हां दी उन्नी आजू नहीं है जिन्नी उन्होंने लोगों ने पंजाब के लिए काम किया है। ऐसा है कि जिमनी चोन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने केवल ढिल्लों जी नूं उम्मीदवार बनाया और अपनी पूरी लड़ाई तीनों ही दल सब हिम्मत दे नाल लड़नगे और तुसीं इह वेखना इह नतीजे जिहड़े आ पंजाब दे अंदर परिवर्तन वाले भी जिन्नी कु खिंज हो गई है, जिस प्रकार इह मूसावाला दे कतल तो बाद इन्हां दा व्यवहार और आचरण रहा, जिदा इन्हां ने वह लिस्ट छाया की है, सुरक्षा नूं खतरा च पाया, लोगों के अंदर निराशा भी है और गुस्सा भी है और मैनूं लगता कि उहदी शुरुआत जिमनी चोन संगरूर तो है। जिस तरीके दे कैंडिडेट खड़े किए गए राज्य सिस्टम किवें देख रहे हो? मैनूं ऐसा लगता कि अकाली दल बारे कोई नई टिप्पणी की जाए ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੁਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਲਗਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ।